हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एचआर रेटिंग। तो गाइस, अपने रील में आप कुछ इस तरीके का रील देखे ही होंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप भी कुछ इस तरीके का रील बनाते हो तो आपका भी रील वायरल होने का चांसेस है। तो गाइस, इस वीडियो में वही सिखाने वाला हूँ कैसे आप इस तरीके से अपने रील को एडिट कर सकते हो और अपने वीडियो का बैकग्राउंड में मून को ऐड कर सकते हो। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने मून वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, इस तरीके का वीडियो को एडिट करने के लिए आपको VN ऐप का ज़रूरत पड़ने वाला है जो कि आपको आई स्टोर में और प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। तो आपको वहां जाकर अपने VN ऐप को डाउनलोड कर लेना है। VN ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। तो आपको यहां प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा और अपने वीडियो को ऐड करना होगा। तो गाइज, इस तरीके का वीडियो को एडिट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके का अपने वीडियो को शूट कर लेना है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो गाइस, VN ऐप में अपने वीडियो ऐड होने के बाद आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना होगा और इसका वॉल्यूम को कम कर लेना है और यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको अपने वीडियो को स्लोमो कर लेना चाहिए। स्लोमो करने के लिए आपको यहाँ स्पीड ऑप्शन पे आना होगा। इधर आपको इस तरीके से आपको डॉट मिल जाएगा तो आपको इस तरीके का स्लोमो कर लेना है। मेरा वीडियो पहले से ही स्लोमो है इसलिए मैं इस ग्राफ को रीसेट कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्लिक करना होगा और वीडियो फोटो को चूज कर लेना है। तो गाइज, आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक मून का बैकग्राउंड मिल जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से मून को डिलीट कर लेना है और अपने वीडियो में ऐड करना होगा। वीडियो ऐड होने के बाद आपको अपने मून कुछ इस तरीके से दिख जाएगा तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लास्ट तक लेके जाना होगा और यहाँ तक आपको एडजस्ट कर लेना होगा और इस ब्लैक पार्ट को आपको डिलीट करना होगा और नेक्स्ट आपको फर्स्ट में आना होगा तो आपको इस मून को चूज़ कर लेना है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से इस तरीके से जूम करना होगा और अच्छे तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। मून कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना होगा और इधर आपको मास्क ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको इधर लीनियर ऑप्शन को चूज़ करना होगा और फिर से आपको एक बार टैप करना होगा और आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से नीचे लाना होगा और इस क्रॉसओवर को आपको कुछ इस तरीके से ड्रैग करना होगा और यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद हमारा ओरिजिनल वीडियो कुछ नहीं दिख रहा तो उसके लिए आपको ओरिजिनल वीडियो पे क्लिक करना होगा और इसको आपको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट होने के बाद आपको इस वीडियो को फॉरवर्ड करना होगा। फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना होगा, इधर आपको फॉरवर्ड ऑप्शन मिल जाएगा तो इस वीडियो को आपको फॉरवर्ड कर लेना है और नेक्स्ट आपको इस फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो को कुछ इस तरीके से फ्रंट लाना होगा और फॉरवर्ड किया हुआ वीडियो को चूज़ करके कुछ इस तरीके से फिट ऑप्शन को चूज़ करना होगा और नेक्स्ट आपको इधर क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। इधर आपको क्रोमा ऑप्शन मिल जाएगा तो इस क्रोमा ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और इस प्लस आइकन को कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा जो कि बैकग्राउंड दिखना चाहिए और इस स्पेल ऑप्शन को आपको ज़ीरो रखना होगा और इंटेंसिटी को थोड़ा हाई करना होगा और इधर से राइट क्लिक करके बैक आना होगा। बैक आने के बाद आपको मून फोटो पे क्लिक करना होगा और इधर आपको स्क्रॉल करना होगा, इधर आपको फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा तो इस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट आपको यहाँ स्क्रॉल करना होगा और इधर आपको पोलराइड ऑप्शन मिल जाएगा तो इस पोलराइड ऑप्शन को क्लिक करना होगा और इधर आपको बहुत सारा फिल्टर मिल जाएगा तो इधर से आपको कोई भी अच्छा लगे उस फिल्टर को ऐड करना होगा। मैं आपको L1 को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके बैक आ लेता हूँ। बैक आने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है तो आपको नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में ऑडियो को ऐड करना होगा। ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ से ऑडियो पे क्लिक करना होगा और म्यूजिक पे टैप करना होगा और नेक्स्ट आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो को चूज़ कर लेना है और इस सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से ऐड करना होगा। सॉन्ग ऐड होने के बाद आपको अपने वीडियो का एंड तक जाना होगा और इस वेस्ट पार्ट को डिलीट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से सॉन्ग ऐड करने के बाद आपको व्हाइट पार्टिकल को ऐड करना होगा। व्हाइट पार्टिकल को ऐड करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा, वीडियो फोटो को चूज़ करना होगा तो इस व्हाइट पार्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है
और इस व्हाइट पार्टिकल को भी ऐड करना होगा। व्हाइट पार्टिकल को ऐड करने के बाद आपको इस पार्टिकल को कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है और नेक्स्ट आपको यहाँ स्क्रॉल करना होगा। इधर आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ब्लेंडिंग ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो इधर आपको स्क्रीन ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस स्क्रीन ऑप्शन पे टैप करना होगा और कुछ इस तरीके से व्हाइट पार्टिकल भी ऐड हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट आपको राइट क्लिक करके बैक आना होगा। तो हमारा वीडियो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, तो आपको एक बार प्ले करके दिखा दूंगा। वीडियो रेडी होने के बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इधर क्लिक करना होगा और कुछ इस तरीके से सेटिंग रख के आपको राइट क्लिक करके छोड़ देना होगा। ऑटोमेटिकली हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।